नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में निफ्टी 50 का टेक्निकल व्यू देखने वाले हैं वीकली एनालिसिस करेंगे सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस को जानेंगे और साथ ही साथ ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में भी बात करने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बल को प्रेस कीजिए साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है आज ऑलरेडी तीन वीडियोस अपलोड हो चुके हैं बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ का वीडियो भी अपलोड हो चुका है जो कि आपका फेवरेट है और साथ ही साथ यहां पर एक स्टॉक मैंने डिस्कस किया जहां पर वीकनेस काफी ज्यादा बनी हुई है लेकिन डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दीजिए बहुत ही अच्छा फायदा आपको हो सकता है और साथ ही साथ यहाँ पर बी सेक्टर में अलर्ट हो जाने की जरूरत है बैंकिंग सेक्टर पर बड़ा खतरा मन रहा था हुआ नजर आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर हमें फोकस रखना चाहिए क्या सिचुएशन बनी है उस सभी चीजों के बारे में बात की है तो इस इस भी वीडियो को आप रेफर कर सकते हैं तो शुरुआत करते हैं निफ्टी 50 के पी ई रेशियो से 18 सितंबर 2020 यानी कि कल के दिन फ्राइडे के दिन अब देख पाएंगे पीई रेशियो थर्टी टू पॉइंट था तो अगर हम कहें कि पी ई रेशियो 33 हो चुका है तो ये गलत नहीं होगा यहाँ पर 32.98 ऑलमोस्ट 33 का पी ई रेशियो देखने को मिल रहा है जो कि हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक काफी ज्यादा महंगा हमें यहाँ पर नजर आता है तो संभलने वाली सिचुएशन है इकोनॉमी की हालत भी कोई यहाँ पर अच्छी हमें दिखाई नहीं दे रही है और ऊपर से कोविड नाइन्टीन के, के केसेस भी लगातार यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं वैक्सीन कब आएगा ये कोई बता नहीं सकता है और यहां पर ऐसी न्यूज आ रही है कि प्रोडक्शन हम शुरू कर देंगे तो टू तक सबके पास यहाँ पर वैक्सीन पहुंचेगी तो यह सारी चीजें हैं जहां पर हमें ध्यान रखना चाहिए यह सारी चीजें हैं जहां पर हमें फोकस रखना चाहिए और उसी हिसाब से मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए यहां पर एफ आई इसका क्या डेटा है वो भी हम चेक कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मंथ टिल डेट की अगर बात करें तो एफ आई आईज ने यहाँ पर 1276.34 करोड का माल नेट में परचेस किया है और अगर बात करें यहाँ पर डी आई आई के बारे में तो 5667.47 करोड का माल यहाँ पर मंथ टिल डेट तक यहाँ पर उन्होंने नेट सेलिंग की है तो यहाँ पर अगर एफ आई आईस और डी आई एस को जोड़ दें तो यहाँ पर हमें पता चलेगा कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर अपना माल को यहाँ पर बेचा है यहाँ पर खरीदारी कम हुई है और यहाँ पर बिकवाली ज्यादा होती हुई नजर आ रही है तो इसीलिए हमें इस वीक में प्रेशर भी यहां पर देखने को मिला है तो अब चलते हैं चार्ट पर वहां पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं रिकवरी तो धमाकेदार रही है यहाँ पर इकोनॉमी भले ही सपोर्ट नहीं कर रही है लेकिन लिक्विडिटी की वजह से हमें यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी बहुत ही ज्यादा ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें बनता हुआ नजर आता है निफ्टी फिफ्टी का वो सपोर्ट है यहाँ पर ट्वेंटी डेज का ई आप देख पाएंगे इसी लेवल पर निफ्टी फिफ्टी काफी महीनों से हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है जब भी निफ्टी फिफ्टी उसके नीचे जाता है तो तुरंत हमें बाउंस बैक भी देखने को मिलता है और आप देख पाएंगे यहाँ पर फिलहाल इंटेंस सिचुएशन हो चुकी थी यहाँ पर कंटिन्यूसली निफ्टी फिफ्टी अपने ट्वेंटी डेज के मूविंग

यहां पर मैं आपको वन डे चार्ट्स भी दिखाना चाहूंगा जहां पर एक कैंडल फाइव मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है तो यहां पर जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिला था यहां पर मार्केट के एंड में ही भयानक गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही थी उसका रीजन क्या है वो रीजन भी मैंने यहाँ आपको आज के पहले वीडियो में बता दिया है तो उसे आप रेफर कर सकते हैं उसके बाद थोड़ी सी रिकवर भी हमें यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी में देखने को मिली है अगर बात करें यहाँ पर इंडिकेटर्स के बारे में तो आर का नंबर कैलकुलेट होकर आता है यहाँ पर फिफ्टी सिक्स अब देख पाएंगे यहाँ पर ओवरऑल एक ही जोन में हमें आरएसआई ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है काफी महीनों से हमें कॉन्सोलिडेशन आरएसआई दिखा रहा है एम एस के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एमएस डी में जो सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर पूरी संभावनाएं दिखाई देती है कि यहाँ पर एक बियरिश कॉस ओवर बियरिश नहीं बियरिश नहीं बुलिश क्रॉस ओवर देखने को मिल सकता है फिलहाल बियरिश क्रॉस ओवर देखने को मिल रहा है और वो कंटिन्यू रहता हुआ नजर आता है लेकिन यहाँ पर जो गैप है काफी ज्यादा कम हो चुका है अगर तेजी के संकेत दिखाई देते हैं तो यहाँ पर वापस हमें बुलिश क्रॉस ओवर भी देखने को मिल सकता है लेकिन जैसे कि हमें डेटा दिखाई दे रहा है वो हिसाब से फिलहाल तो यहाँ पर हमें गिरावट के चांसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं स्पेशली बैंकिंग स्टॉक्स में जिसके बारे में हमने आज

समय के बाद लोअर बैंड के आसपास निफ्टी ने ट्रेड किया और वहीं पर सपोर्ट लेने के बाद थोड़ी सी तेजी दिखाई और देख पाएंगे अपर बैंड के आसपास ये ऑलरेडी पहुंच चुका था थोड़ा सा फिर से हमें करेक्शन पर देखने को मिला अपर बैंड का लेवल है का लेवल वो का जो लेवल है वो सेवेंटी का लेवल लोअर बैंड का लेवल है इलेवन के आसपास का लेवल पिवट पॉइंट के बारे में बात करें तो यहां पर पिवट लेवल कैलकुलेट होकर आता है के आसपास का लेवल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां यहाँ पर 11,827 थाउजेंड एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन का रेजिस्टेंस हमें दिखाई देता है जो ही लेवल पहले भी हमें यहाँ पर सेम एज ए रेजिस्टेंस भी दिखाई दिया था अगर यहाँ पर नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो टेन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टीन का सपोर्ट एज ए पीवर सपोर्ट हमें दिखाई देता है अब यहाँ पर वीकली बेसिस पर भी चेक कर हैं वीकली बेसिस पर कैसी सिचुएशन बनी हुई है यहाँ पर जहाँ पर एक कैंडल हर एक वीक को यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है तो आप देख पाएंगे हर एक वीक को डेमोस्ट्रेट कर दिया यहाँ पर भी धमाकेदार रिकवरी ऑफकोर्स हमें दिखाई दे रही है लेकिन यहाँ पर पिछले कुछ हफ्तों से जो मूवमेंट हो गया है काफ़ी ज़्यादा कम होता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर जुलाई के एंड के महीने के बाद ज़्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है जैसा मूवमेंट पहले देखने को मिल रहा था जैसी तेज़ी हमें पहले देखने को मिल रही थी वो तेज़ी फिलहाल हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है मूवमेंट काफी ज्यादा कम हो चुका है और जब निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था यहां पर इलेवन थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास तो मार्केट्स उल्टा ही खेलता है और यहां पर हमने देखा कि जो उसका नेक्स्ट वीक था वो काफी पॉजिटिव संकेत यहां पर दिखाई दे रहा था और अगर बात करें इस वीक के बारे में तो जो ओपनिंग हुई उसके बाद तेजी हुई लेकिन तेजी गायब हो गई उसके बाद काफी ज्यादा गिरावट हुई लेकिन गिरावट गिरावट भी काफी ज्यादा हद तक रिकवर हो चुकी थी और जो ओपनिंग हुई थी उससे थोड़ा ही नीचे हमें यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है तो ओवरऑल अगर बात करें तो एक डोजी टाइप की कैंडल हमें यहाँ पर बनती तो यह नजर आ रही है इनडिसिव डोजी कह सकते हैं परफेक्ट डोजी तो ये भले भी नहीं बन रही है लेकिन यहाँ पर काफी हफ्तों से जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा रेड्यूस हो चुकी है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए यहाँ पर जो मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा एक ही हद तक मूवमेंट हो रही है ज्यादा यहाँ पर निफ्टी फिफ्टी ऊपर भी जाता है तो नहीं जा पाता और ज़्यादा गिरावट होती है तो यहाँ पर गिरावट भी ज़्यादा होने नहीं देते हैं क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा है और यहाँ पर सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो फिफ्टी वीक्स का जो सपोर्ट है फिफ्टी वीक्स का ई है वो एज ए स्ट्रॉग सपोर्ट हमें दिखाई देगा ट्वेंटी वीक्स का मूविंग एवरेज भी उसी के आसपास बनकर आता है तो ये लेवल है टेन के आसपास का लेवल यानी कि जो हमारा इलेवन का जो मेटल सपोर्ट वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिलहाल की सिचुएशन में तो हमें यहाँ पर दिखाई देता है अगर बात करें ऐसे में इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए तो यहाँ पर अगर आपने नीचे पोजिशन बनाकर रखी है अच्छे अच्छे स्टॉक्स में अगर आपने बाइंग किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है वहां पर आप कंटिन्यू होल्डिंग कीजिए लेकिन अगर आपने यहां पर फंडामेंटली वीक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है यहां पर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया है जो कि फंडामेंटली वीक है लेकिन लिक्विडिटी है इसी वजह से ऊपर जा रहे हैं तो उन स्टॉक्स में से निकल जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा मैं काफी समय से ये बात आपको बताता आ रहा हूँ लेकिन निकल जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा बाकी एट लास्ट डिसीजन तो हमेशा आपका ही रहने वाला है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पर हमें एनकरेज मिलता है इंकरेजमेंट मिलता है कि आगे भी ऐसे ही धमाकेदार वीडियोज आपके लिए बनाते रहें और यहाँ पर अगर बात करें फ्रेश इन्वेस्टर्स के बारे में तो मेरा मानना है आपको स्टॉक स्पेसिफिक हो जाना

करता हुआ नजर आ रहा है ऑल टाइम हाई के आसपास नजर आ रहा है तो यहां पर अगर आपको ऐसे ही अपडेट्स चाहिए तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो यहां पर संभल कर ट्रेड कीजिए और स्पेशली जो बैंकिंग स्टॉक्स से, हैं फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स से, हैं वहां पर सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिएगा यहां पर ज्यादा जल्दबाजी मत कीजिएगा यहां पर गिरावट का थोड़ा सा इंतजार कीजिए जहां पर आपको वैल्यू दिखाई दे रही है वहीं पर इन्वेस्ट कीजिए वरना आपको यहां पर टोटली अवॉइड करेंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत मुझे दिखाई नहीं देती है

उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिल सकती है तो सारी चीजों के लिए तैयार रहना है कैश भी अपने हाथ में रखना है गिरावट होती है तो वहां पर बाइंग भी करना है और स्टॉक्स भी रखना है अगर यहां पर स्टॉक्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी करना है तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए थैंक यू स्टे हैप्पी हैप्पी इन्वेस्टिंग